खबर 365 न्यूज, आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। बकार खान ने बॉलीवुड अभिनेत्रियों के साथ किया रोड शो। मोहम्मद खीरी लोकसभा 29 धौरहरा के निर्दलीय प्रत्याशी फिल्म अभिनेता बकार खान ने मोहम्मदी में एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए रोड शो निकाला। बकार खान के साथ बॉलीवुड हीरोइन मिस करम एवं मिस पूजा सिंह मुंबई के रहने वाली रोड शो का नुक्कड़ सभा में शामिल हुई। गरीबों को वोट मांगते हुए बकार खान ने कहा कि मुझे केवल गरीब का वोट चाहिए, ना मुझे ठेकेदार का वोट चाहिए, ना मुझे दलाल का वोट चाहिए, बस मुझे वोट चाहिए तो गरीब जनता का, मैं जनता के हित की बात करता रहूंगा और करता आया हूं। उन्होंने नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे भी गरीबी का एक दिन सामना करना पड़ा था, जब मैं रिक्शा चलाकर अपने घर को चलाता था। उन्हीं रिक्शा चालकों की वजह से मैं एक हीरो बन गया और नेता भी। यह सब गरीब जनता की ही देन है और मैं गरीब जनता के साथ हूँ। खबर 365 न्यूज के लिए मोहम्मद खीरी से तौहीद खान की रिपोर्ट। हम जैसे कि अमीरों ने, अमीर जो है वो इतना कुछ सोच नहीं रहे हैं, बस वो अपने पेट भरने के लिए करते हैं। और हमने ये जो कदम उठाया है, ये हमने सिर्फ गरीबों के लिए कदम उठाया है। जो छोटे छोटे दलाल होते हैं वो ये सोचते हैं कि हमारे पास 1000 वोट हैं, 500 वोट हैं, लेकिन जनता जाग गई है, जनता जाग गई है, गरीब जनता जाग गई है। गरीब जनता जानती है कि हमें वोट कहाँ देना है। तो मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ, निर्दलीय इसलिए लड़ रहा हूँ कि आने वाली सरकार में बहुमत किसी को नहीं मिलेगा। हम मैं यहाँ फिल्म बनाने आया था, शाहजहांपुर में टीवी से रिक्शे पकड़ लिए गए थे बैटरी वाले। तो रिक्शे वाले मेरे पास आए कि भैया 3 से 3500 रिक्शे जो है हमारे बैटरी वाले चल रहे हैं, 66 नंबर इंजन नंबर नहीं है उनके ऊपर, और आरटीओ ने पकड़ लिए हैं, सब रिक्शों को कटवा करके भंडार में डालने की तैयारी कर ली है सरकार ने। हमें लोगों ने कहा कि भैया थोड़ा डीएम साहब से बात करो, तो मैं डीएम साहब के पास जब गया, डीएम साहब के पास जब मैं गया तो मैंने डीएम साहब से रिक्वेस्ट की कि भैया ये गरीब लोग हैं। किया गया इस जिले के शाहजहांपुर के सारे बड़े बड़े दबंग नेता पहुंचे डीएम के पास और मुझे उठा के जेल में डाल दिया गया, हथकड़ी पहनाई गई। हिंदुस्तान पेपर ने यहां तक निकाल दिया कि डीएम ने लिखा है कि निर्देश दिए हैं कि गुंडा एक्ट में वकार खान को डाला जाए। बताइए, मुझे हथकड़ी डाली गई, मुझे जेल में डाला गया, मुझे कहा गया कि ऐसा है कि अभी आपको छोड़ देंगे या आंदोलन खत्म कर दो, खाली लिख के दो कि आज के बाद कभी आंदोलन नहीं करोगे। तो मैंने कहा लाइए, मैंने कलम ली, मैंने लिखा कि मुझे जेल में भेज दीजिए, मैं रोज आंदोलन करूंगा। उसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट अतुल कुमार की अदालत में मुझे पेश किया।